मध्य प्रदेश के साजापुर स्थित जिला कोर्ट में पदस्थ एक जज का 15 वर्षीय बेटा ग्वालियर के कंपू इलाके से लापता हो गया था। घटना एक दिन पहले की है। मामला कंपू थाना तक पहुंचा। जज का बेटा था, इसलिए पुलिस ने पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगाल मारे। कई जगह छात्र जाता हुआ दिखाई दिया, वह फुटेज में अकेला ही दिख रहा था। अभी पुलिस उसकी तलाश कर रही थी कि सोमवार को छात्र के अपने नानी के घर पहुंचने का पता लगा, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। ग्वालियर के कंपू इलाके में अवाड़पुरा के पास न्यू वकील कॉलोनी निवासी एक जज शाजापुर की जिला कोर्ट में पदस्थ है। यहाँ उनका परिवार रहता है। उनका 15 वर्षीय बेटा शिवपुरी लिंक रोड स्थित लिटिल एंजल स्कूल में 10वीं का छात्र है। एक दिन पहले छात्र अचानक अपने घर से लापता हो गया। उसके लापता होने का पता तो परिजन ने अपने स्तर पर उसकी तलाश के जरिए लगा लिया, लेकिन जब वह कहीं नहीं मिला तो कंपू थाना पहुंचकर मामले की सूचना दी। जज का बेटा होने के कारण पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और छानबीन शुरू की। आखिरकार जज का बेटा अपनी नानी के घर पहुंच गया। इस बारे में नगर पुलिस अधीक्षक विजय भदौरिया ने मीडिया को जानकारी दी। स्थानीय कंपू थाना क्षेत्र के अवाड़पुरा के पास में न्यू वकील कॉलोनी में रहने वाले एक दंपत्ति का एक बच्चा जो कि अभी अल्पवयस्क है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कंपू में दर्ज की गई है और लगातार पुलिस की टीम उसके फुटेजेस का पीछा करते हुए चली आ रही है और उसको जब अपने घर से निकल के आधे शहर तक जहां तक उसने पैदल गया है वहां तक के फुटेज प्राप्त हो गए हैं। पुलिस और भी अन्य चीज़ों की भी जांच पड़ताल और खोजबीन कर रही है। अभी प्राथमिक रूप से कुछ कहना मुश्किल है, किंतु जैसा समझ में आ रहा है जो कुछ प्रतीत हो रही संभावना कि घर से किसी नाराजगी की वजह से उसका जाना प्रतीत हो रहा है, किंतु अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।